400 पार नारे के साथ लोगों के बीच में जा रही है। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो आज लखीमपुर खीरी एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम जी, कैसे आप देखते हैं इस नारे को, क्योंकि विपक्ष महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। देखिए, आप जानते हैं कि लोगों की जो क्रय शक्ति है बढ़ी है, परचेज पावर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में और देश में लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस नेता के अमेरिकी कानून के बयान को कैसे देखते हैं मंत्री आप? ये सैम पित्रोदा जी ने जो कहा है उसका हम जोरदार विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बहुत ही दुखद है कि हम लोगों की संपत्ति जब्त करेंगे, उसको बांटेंगे आतताइयों में। बहुत ही दुखद है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा आने वाले दिनों में जब पोलिंग होगी इनको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी 0 सीट पाएगी उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर और धौरहरा दोनों सीटों पर 0 सीट मिलेगी। 80 में से बीजेपी ही जीत रही है। जी, इनका कहना है कि मोदी और योगी के चेहरे पर 10 साल के विकास एजेंडे पर जो है भाजपा 400 पार का नारा पूरा करेगी। लखीमपुर की पोस्ट, गोपाल गिरी।